नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। उत्तर प्रदेश की तोड़फोड़ की राजनीति के बीच विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई को शुरू होगा, जो 29 जुलाई को 11 बजे से शुरू होगा। और यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दे दी है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी की 18वीं विधानसभा की दूसरे सत्र को शुरू करने की अनुमति दी है। विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत ऐसे समय में होने जा रही है जब यूपी में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के नेम प्लेट को लेकर सियासी विवाद खड़ा हुआ है और इस विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कई सवाल जो जनता के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला ये कि इस विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव इस सत्र में मौजूद नहीं रहेंगे क्योंकि वो लोकसभा जा चुके हैं, और इसी के साथ ही विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों को लेकर तैयार है। इस सत्र में चक्रव्यूह बनाने की भी तैयारी विपक्ष लगातार कर रहा है। वहीं नेम प्लेट को लेकर जो विवाद छिड़ा था, अब ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र में यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा भी देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का यह पहला सत्र है। सत्र में विपक्षियों की ओर से राज्य के कानून व्यवस्था के साथ साथ किसानों से जुड़े मुद्दे, बाढ़ की स्थितियों को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा सकता है। जहां तक कांवड़ यात्रा की बात करें तो विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले का विरोध किया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है, ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। दुकान पर नेम प्लेट लगाना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा रहेगा और सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष राज्य के कई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा भी उठा सकता है। पिछले एक साल में यूपी में कई बड़े पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है। फिलहाल बात करें तो कांस्टेबल भर्ती और आरओ एआरओ परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे। इसके बाद विपक्ष ने सीधे सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए थे। समीक्षा अधिकारी मतलब आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की परीक्षा 11 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली इस परीक्षा के एक दिन पहले ही यानी 10 फरवरी को प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। हालांकि इसके बाद यूपी लोक सेवा आयोग की 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति ने आरोपों की जांच भी शुरू की थी, लेकिन इस विधानसभा सत्र के दौरान मॉब लिंचिंग के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष तैयार है। समाजवादी पार्टी अलीगढ़ में हाल फिलहाल हुए मॉब लिंचिंग का भी जिक्र कर सकती है। बता दें कि अलीगढ़ के इलाके माऊ भांजे में 18 जून को एक युवक को चोर समझकर भीड़ ने मार डाला। इस हादसे के बाद सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव में पराजय के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश में कन्नौज, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में प्रशासनिक विफलता की वजह से हत्या और फसाद हुआ है, वो निंदनीय है। भाजपा सरकार किस वजह से ऐसे उत्पीड़न से उतारू हो गई है, इसे जनता समझती है। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में यूपी की जनता क्यों पिसे, पराजय से जन्मा ये प्रतिशोध सामाजिक आक्रोश को भी जन्म देगा। इससे किसी का भला नहीं होने वाला है, ये बेहद निंदनीय है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। यूपी के सहारनपुर में 2 युवकों की छत्तीसगढ़ में मॉब लिंचिंग से मौत हो गई थी। गौ तस्करी के आरोप में 10-12 युवकों ने घेर कर यूपी के 3 युवकों को इतना पीटा था कि 2 युवक की मौत हो गई थी, जबकि तीसरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आगरा और फिरोजाबाद में हत्या से हड़कंप मच गया था और काफी बवाल भी हुआ था। ऐसे में विपक्ष इन मुद्दों को मानसून सत्र में उठा सकता है, बीजेपी को घेरने का काम भी कर सकता है। फिलहाल आपका क्या कहना है कि मानसून सत्र में इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार से जवाब मांगने चाहिए? आप अपना फैसला और अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और आपके क्या प्रश्न हैं हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहें द लीडर हिंदी।